यूट्यूब की इस वीडियो तो आने वाला रिवेन्यू कोरोना पीड़ितों की मदद लिए वरत्या जाएगा। इस करके तुम भी इस हिस्सेदार बनो और इस खबर को वध तो वध लाइक शेयर करो, चैनल को सबसक्राइब करो ताकि देश जीते और कोरोना हारे। करमजीतन मोल ने किसी भी तरह के तारुफ की लोड़ नहीं, किसी भी तरह नाल कोई बहुत ही लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन की लोड़ नहीं, चेहरा सामने ते मुस्कुराहट तुहानू आपे आ जानी है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं करमजीत। थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू सो मच जी। सांझा टीवी देख रहे सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। करमजीत जी, जदों हुण मतलब डके ही होया सी, कर तुसी इस वक्त कित्थे हो? मैं घर आ जी मोहाली दे विच। अच्छा, मोहाली हो तुसी बड़े औखे जे काबू आए आ, पहला टिकना नहीं घर कि चलो जो रब करता चंगा ही करता, पुठियां सिद्धियां बंदा ही करता। सो रब जो भी करता ओहदी रज़ा च रहना चाहिए और अपने आप नु मतलब खुश रखो और दूजियां नु भी खुशी मनाओ। ते जिवें कोई एहो जे भी प्रोजेक्ट्स कर रहे सी जिहड़े कि अधूरे पए होए आ ते एकदम लॉकडाउन खुलदे ही कर दित्तियां वापस पहुंचना उसी? हां जी बिल्कुल, अपने केसी बुकाड़िया साहब दी इक फिल्म कर रहे सीगे जी असीं, ते ओह विचकार रुकी हुई है, जदों भी लॉकडाउन खुलदा तां नाल दी नाल उहनू कंप्लीट करांगे। वैसे घर बैठे भी तुसी एकदम काले कुर्ते पजामे कुर्ता जिन्ना कि मैनूं नजर आ रहा है, ते मतलब घर बैठे भी एक्टर ही लग रहे हो तुसी। एक्चुअली अज मैं कोई वीडियो शूट कीता सीगा घर ही जी, इस मतलब अरदास इक सीगी ते बलवीर सूफी जी ने उन्होंने लिखा सी ते नाल गाया भी उन्होंने, वो गाने दे करके उस सूट बूट दे विच ही बैठा, पर मैं कुर्ते पजामे च मतलब मैं चले तुहाडी इंटरव्यू भी इदां ही करदी मैं हुण जाके कुछ पढ़ लूंगी, कोई टीवी देख लूंगी, कोई सीरीज देख लूंगी, पर फिर स्काइप इंटरव्यूज लाइंड अप हुंदी है, मतलब जिवें लोक घर बैठ गए, लोकां दा काम घट गया, ते मैनूं लगदा कि सारा काम मेरे सिर ते ही आ गया। मतलब आ इंटरव्यू हुण तुहाडी करन तों बाद फिर इक होर, फिर उस तों बाद इक होर, ते मैं कि दफ्तर ज्यादा चक्के सी भी ज्यादा घट, मतलब घट काम हुंदा सी, घर रहि के ज्यादा काम करना पैंदा है, हुण नाले घर दा काम करना पैंदा नाले दफ्तर दा। हां उधर देखना कुकर दी तीन सीटियां हो गईयां, उधर जा मैं थोड़ा जी। थोड़ा टाइम पढ़ लेंदे जी, रियाज वगैरा कर लेंदा,
और फिर बच्चे उठ करते जो उन्होंने शरारत उन्होंने शामिल हो जाए। सो इदा ही दिन लंघ जाता जी। तो मतलब वधिया ये टाइम रब ने शायद सानू दिता अपने परिवार लिए। और सब तो वधिया गल है कि खुश रहना चाहिए तो अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए। एक ऐसी जी जंग है जी तुसी दौड़ के नहीं बल्कि घर बैठ के जित सकते हो। और ये तुसी अपने लिए नहीं है, अपने पूरे परिवार लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए तुसी एक चंगा कार्ज कर रहे हो घर बह के जी। ते वैसे घर बहना औखा लग रहा है? बिल्कुल, पहला पहला तो हूँ थोड़ा जा औखा लगन लग गया क्योंकि सारा दिन अंदर ही बाहर भी नहीं जा सकते तुसी। और फिर भी अपने आप नूं बिजी रखने की कोशिश करी दी है जी। जी ते बच्चे जड़े ने मतलब वो भी पूरे अवेयर ने कि की आ कोरोना वायरस ते किवें आपा बाहर नहीं निकलना भी किद्दा अपने आप नूं बचा के रखना सारा कुछ। बिल्कुल जी, बच्चों नाल गलबात भी होंदी रहिंदी, कोई वीडियो बनाउंदी रहिंदी, ओह शेयर करदे रहिंदे इक दूजे नाल ते इदा बचा रखना जां किद्दा वी जां इत्थे आ हो गया उस करके सारे मतलब अपना इतिहास बरत रहे ने सारे। सब तो पहली चीज की करोगे जो लॉकडाउन खुल गया, सब तो पहली चीज की मन चा भी की करनी, जिवें मैं ते अपनी मम्मी नु मिलना जाके सब तो पहला मैं भी अपने पिंड जाना जी, मेरे फादर साहब उत्थे ने और मेरे मित्र उत्थे ने ते सब तो पहला मैं पिंड जाना जी अपने जदों भी खुल्या लॉकडाउन। ते फोन दी यूजेज भी वध गई होनी ना अजकल? बिल्कुल जी, सारा दिन फोन ते लगे रहने, जदों भी फ्री होने कुछ ना कुछ देखते रहने। मतलब ऐदा हो गया हुण तां इन्नी एडिक्शन हो गई कि पता नहीं की निकल गया होना भी जे दिखया नहीं फोन। वैसे भी करेंगे किसी दी बाजी तां फोन अपना चेक करन लग जांदे। वैसे तां इह तां फोन वैसे तां बीमारी है इक, इहनूं इन्ना यूज नहीं करना चाहिए। सो जिन्ना कि जरूरी है उन्ना कि यूज करना चाहिए। मेनू तो लगता है कि जो मैं लॉकडाउन खुलिया मैं हलवाई बन के बाहर निकलना है, कभी साढ़े घर कुछ मिठा बनता कभी कुछ बनता, रोज शामी भी डिमांडा डिमांडा भी वधिया होनी। क्या बात है, बिल्कुल घरे कुछ ना कुछ बच्चे रोज अपने कुक नू कहंदे जां अपनी मम्मा नू भी आ बनाओ खुद भी बनाउण लग गए हो बच्चे कदे कुछ कदे कुछ। कल मेरे छोटे बेटे ने ते मेरी छोटी भतीजी ने केक खवाया सानू बना के। अच्छा ते तुसी कुछ कुकिंग करदे हो? मैं कदे चोरी चूरी कर लैना, वाइफ मेरी मैनू करन नहीं दिंदी, कहंदी भी जिन्ना चिर मैं हैगी तुसी नहीं बढ़ना रसोई च, ते ओह मैनू कर नहीं दिंदे काम। पर मैं लॉकडाउन दा कोई कुक निकल के सामने आए जदों फिर लॉकडाउन खुल्या एक रेस्टोरेंट कोई ना कुछ वधिया चीज कोई होटल खोलिया हो। देखो मैं हर तरह की चीज बना सकदा क्योंकि मैं जो कॉलेज टाइम से असं दो तीन मित्र से कट्ठे आप ही खाना बनाते सारा उन्होंने टाइमों तो सीखा हुआ मैं बना सब कुछ सकता। अपन रेस्टोरेंट खोलन दे ले कोई ट्रेनिंग की लोड़ नहीं, ऑलरेडी आप ट्रेन है जी। जी वैसे एक गल दसो कि जिवें भी जो कॉलेज टाइम दी गल्लां याद आउंदियां हैगियां क्योंकि इस वक्त ते असीं ही गल्लां कर सकदे हां, असीं ना ते कोई फिल्म दी गल कर सकदे हैगे हां, इस वक्त ते असीं ओह गल्लां कर सकदे हां जिहड़ियां कि व्यूअर्स लई इंटरेस्टिंग होण। सो कॉलेज वक्त दा जिहड़ा ओह वाला टाइम हैगा, इस वक्त ते पुराने कॉलेज दे फ्रेंड्स नाल गल हुंदी होणी आ कि आपां आ करदे हुंदे सी ओह, ते इह इन्नी रफ्तार जिहड़ी हैगी जिहड़ी फड़ी होई आपां दगड़ 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 वाली, इस रफ्तार दे विच मतलब ओह गल्लां याद करन दा वी मौका नहीं मिलदा होणा। अपने पुराने मित्र की फोटो शेयर की मोहाली ने हरविंदर विरक कट्ठे पढ़े कॉलेज टाइम, कल उन्होंने फोटो मैं शेयर की मनजीत सिंह पत्रकार ही ने अपना मित्र ने जी मेरे कॉलेज टाइम दे मित्र ने, और असीं मेरा ख्याल भी 15-20 जने जिहड़े हैगे आ ओह टच दे विच आ, हमेशा गलबात हुंदी रहिंदी सी जी। जिवें हर कोई अपनी तरह नाल हैल्प कर रहा है ते पिछे ते इन्नी हेल्प होनी शुरू हो गई सी लंगर दी के लंगर रोकने ही पए ते रुक जाओ क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग दा ध्यान नहीं सी रखिया जा रहा, चंडीगढ़ विच बिल्कुल बंद कर दिता, पंजाब दे विच भी काफी थावां ते बंद कर दिता, जे जांदे भी आ ते प्रशासन दा एक बंदा नाल जांदा हैगा। मतलब छोटा वड्डा साडे कोल पिंड है हलालपुर, उथे जनानियां की करदियां कि रोटी करके ना रोटी दे के रोटी पका के दो दो चार चार जिन्ने जिन्ने फुलके है वो अचार दे नाल रख जांदियां, बाहर भी जिन्नू लोड़ है वो ले ले, मतलब अपनी जिन्नी पहुंच है उस हिसाब नाल हर कोई मदद कर रहा है।
ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ NRIs ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਾਫਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 10-15 ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੜਾਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਵੈਨਿਊ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਹਾਰੇ। ਸੋ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਸੂਫੀ ਜੀ ਨੇ, ਬਲਬੀਰ ਸੂਫੀ ਜੀ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕਰੀਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸੂਫੀ ਜੀ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ, ਬੰਡਲ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ 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 ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗੀਤ ਮੈਂ। ਵਾਸਤਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਤਰਲਾ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੋਂਦਾ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ, ਸੋਹਣੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ, ਸੋਹਣੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੀ, ਚਰਨਾ ਚ ਤੇਰੇ ਯਰ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜੋ ਖੂਨ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਦਾ ਏ, ਖੂਨ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਸਦਾ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ, ਸੋਹਣੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ, ਸੋਹਣੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਦਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਵਜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
हर साल दे विच एक हफ्ता घट तो घट पूरी दुनिया दे विच ऐदां दा मनाउणा चाहीदा कि जदों सब कुछ बंद होगा सिर्फ तुसीं अपने लई घरे बैठो जी। और जदों भी एक चीज होर सामने आउंदी है तुहाडा इस ते की कहना हैगा? बहुत सारे लोग चढ़े ने, तुसीं भी चैनल्स च भी देखदे होणे हो, अपने आस पास भी देखदे होणे हो कि इन्नियां सख्त हिदायतां तों बाद भी लोग मन नहीं रहे। सारे नहीं लेकिन बहुत सारे लोग अजिहे ने जिहड़े नहीं मन रहे, मतलब असली हीरो ते ओही ने जिहड़े कि अज दी रेट च घर च बैठे हुए ने, पर उन्हां विलनस दा की जिहड़े मन ही नहीं रहे, जिहनां नूं गल ही समझ नहीं आ रही है। बस इही है जी, उहनां नूं तां वी परमात्मा ही समत बख्शे, इही है कि सच्चे पातशाह वाहिगुरू उहनां नूं सतबुद्धि बख्शे, क्योंकि ये एहो जी एक बीमारी है कि तुसी बाहर जाने तो पता नहीं किन्ने लोग उहदे नाल खराब होण, किन्ने लोगों इस दे लाग लगे और किन्ने लोग इनफेक्टेड होण। सो मैं तो यही उन्होंने बेनती करूँगा कि आप अपने घर रहो, थोड़ी छोटी जी गलती पूरे परिवार से नहीं, महल से नहीं, पूरे जिले से नहीं, बल्कि पूरे मुल्क से भारू पै सकती है। सो पूरी दुनिया से, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि पूरी दुनिया से भारी पई हुई है। सो अपना ख्याल रखो, तो अपने का ख्याल रखो, तो नाल लोगों का भी ख्याल रखो। सो यही सब तो बेहतरी है कि तुसी आपो अपने घर रहो। वह भी लोग ने जिहड़े साडी रक्षा के लिए, जिवें साडे पुलिस कर्मचारी ने, जां साडे डॉक्टर ने, साडियां भैणां नर्सां, वह दिन रात एक कर रहे हो, अपने परिवार के विच नहीं जा सकते दिन रात साडी सेवा के विच, उन्हां दे बारे ही सोच के घट तो घट तुसी करो कि वह साडे लई दिन रात जाग रहे ने, तां असीं की आराम नहीं कर सकते घरे बैठ के। सो मेरी सब नूं बेनती है कि आपो अपने घर रहो, सेफ रहो जी। करमजीत जी, वैसे तो मैं कभी भी किसी भी आर्टिस्ट को कोई भी पॉलिटिकल सवाल नहीं करती हुंदी, पर इत्थे पॉलिटिक्स नहीं। हुण पिछे जो पटियाले दे विच पुलिस मुलाजम का हाथ कटिया गया, हालांकि हुण उन्होंने प्रमोशन भी मिली, ऑपरेशन जिहड़ा है वह भी सक्सैसफुल हो गया, सब कुछ ठीक रहा, पर जिहड़ी अजिही सोच हैगी है, जिहड़े अजिहे लोग हैगे ने, तुहानूं लगदा नहीं कि यह लोग जिहड़े ने इस समाज वास्ते हुण भी ते अगे वास्ते भी खतरा ने, ते बहुत वड्डा खतरा ने? धर्म कोई भी होवे, इस धर्म का कोई लेना देना नहीं। बिलकुल जी, बहुत मंदभागी घटना वापरी है और इहो जिहा नहीं होना चाहीदा सी, और परमात्मा सब नूं इहो सतबुद्धि बख्शी, और परमात्मा ही सब कुछ करवा सकदा है जी, बंदे दे कहण नाल तां कुछ नहीं हुंदा। सो परमात्मा करे कि अगे तो घट तो घट साडे मुल्क दे विच ऐसी घटना ना वापरे, इही अरदास करदे हां जी। एदां ते एदां है कि तुहाडे जिवें हुण घर हो पूरा दिन, ते बड़े सारे ना व्हाट्सएप ते चुटकले आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, जिवें घर वाला घर एक दूजे नूं बर्दाश्त कर रहे हैं, कह रहे हैं भी लॉकडाउन किया ते डिवोर्स रेट बड़ा ज्यादा हो जाना हैगा, या होर एदां दी बड़ियां गल्लां, या फिर आ रहे हैं कि शर्ट दे बटन ना किसी आदमी दे खुले आ झाड़ू चक लेंदे साफ कर, जिहड़ा काम करदे सी कहिंदा हैं मैं किहड़ा काम करदा सी, भुल गए। पर ये मैं लगता है कि ना करीब आने के कुछ मौके है गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, बिलकुल जी, बहुत मतलब कुछ चीजा चंगे लिए होंगे, और सारे परिवार बैठ लग गए। देखो जी, हस्पताल डेली मौत होंगे सी, ते तुसीं कदे सुनी कि हस्पताल जल्दी साडे इस बिमारी तो दुनिया का खेड़ा छुटे, दुनिया मतलब बिमारी तो। और दूजी ये गल है भी इदां ही सारे जिवें प्यार नाल रह रहे ने, हमेशा हमेशा अपने परिवार दे नाल जुड़ के रहन, हसदे खेडदे रहन जी। क्योंकि वैसे तो गाने होर भी ने, बहुत सारिया चीजा तुहाडे नाल गल्लां करन लई भी, बट जांदिया जांदिया यारा भी नहीं सुनिया ते फिर गल पूरी नहीं होई। हां जी, मैं जरूर सुनाऊंगा, ओ मेरा फेवरेट है ना, मैं पार्शल हो रही हां। ओ जरूर जी जरूर, ओ तो हर एक सुनदा ही सुनदा, तो मैं सुनाऊंगा जी। ओ सोहणिया सजणा सामणे आके बैठा रहे, अखियां दे विच अखियां पाके बैठा रहे, अखियां दे विच अखियां पाके बैठा रे, यार आवे
वे यारा वे यारा यारा वे यारा। मतलब ये गाना सुन के ना कदी पुराना नहीं हो सकता, मेनू लगता है ये गाने दी उम्र बहुत बड़ी है, कदी पुराना नहीं हो सकता ये गाना। थैंक यू सो मच। तुसी आप दा ध्यान रखो, आप दे परिवार दा ध्यान रखो। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। YouTube दी इस वीडियो तो आने वाला रिवेन्यू कोरोना पीड़ितों की मदद लिए वरत्या जाएगा, इस करके तुसी भी इस दे विच हिस्सेदार बनो अते इस खबर नू वध तो वध लाइक शेयर करो, चैनल नू सब्सक्राइब करो ताकि देश जीते अते कोरोना हारे।